गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका पार्ट फोर, लास्ट पार्ट है हमारा ये इस चैप्टर के लिए। हम देखेंगे कॉज ऑफ पॉवर्टी। देर आर अ वेरी नंबर ऑफ कॉज इन फॉर द वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। वन ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन, एक हिस्टोरिकल रीजन क्या है बेटा, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनकी पॉलिसी इतनी ख़राब थी कि उन्होंने हमारे लिए जो हमारा जो रीजनल जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स या फिर हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का जो बिजनेस था या फिर जो हमारे यहाँ लोकल लोग थे वो करते रहते थे, वो सब बंद करवा दिया। इंडस्ट्रियल लाइक टेक्सटाइल, लो रेट ऑफ ग्रोथ, उससे हमारा 1918 में जो हमारा जो 1918 तक हम किस में डिक्लाइन में रहे, क्योंकि हमने अपना जो जो ओरिजिनल जो वर्क था वो हम लोगों ने भूल गए थे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि हम पहले हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, उससे हमारी इकोनॉमी अच्छी थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियाँ डेवलप हुई तो लोगों ने वो काम छोड़ दिया और इंडस्ट्री ऑफ डिपेंडेंस चालू हो गई। द फेल्यूर ऑफ बोथ फ्रंट प्रमोशन एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल साइक्लिक पॉवर्टी। मतलब देखो क्या है, प्रमोशन एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड सोशल पॉपुलेशन को हमने कंट्रोल नहीं किया, इससे साइक्लिक पॉवर्टी बनी हुई है, ठीक है ना। अब हम देखो अनेबल टू फाइंड द प्रॉपर जॉब इन सिटीज़, अनेबल टू फाइंड अ प्रॉपर जॉब इन सिटीज़, मैनी ऑफ पीपल स्टार्टिंग वर्किंग रिक्शा, पुलर, वेंडर, कंस्ट्रक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी हम लोग जब हमारे पास जॉब नहीं मिलता तो फिर हम अदर टाइप के वर्क करने लगते हैं। विद द इरेगुलर ऑफ स्मॉल इनकम्स दीज पीपल्स कुड नॉट एफर्ड द एक्सपेंसिव हाउसिंग, द स्टार्टिंग लिविंग इन स्लम। वो धीरे धीरे स्लम में रहना चालू कर देते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी लार्जर आर रूरल फिनोमेना बिकम द फीचर ऑफ अर्बन सेक्टर, ठीक है। अनोदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैव इन ह्यूज इनकम इनइक्वलिटी। अब जब आपका इनकम का जो जो मतलब किसी एक व्यक्ति ए है उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसी एक बी व्यक्ति बी है उसको कम पैसे मिल रहे हैं, और वो मिल ही जा रहे हैं, कभी उनको इक्वलिटी में लेके नहीं आ रहे, तो वो भी एक अंतर होता है। फिर एक जो मेन पॉइंट आता है कि लैंड रिफॉर्म है हमारे पास, किसी से हम लोगों ने कोशिश तो की है कि इन सब चीज़ों को सुधारें, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि ना मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म, हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म लेकर आया, विच एम आई डेट बड़े लोगों से लेकर प्रॉपर्टी को छोटे लोगों को दे देना, लेकिन उससे होता है उससे उतना ज़्यादा इफेक्ट दिखा नहीं, ठीक है ना। मोर ओवर मैनी ऑफ सोशल कल्चर आर ऑल्सो इकोनॉमिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ है, सिंस द पुअर पीपल्स हार्डली हैव एनी सेविंग, मतलब जो पुअर पीपल्स रहते हैं उनके पास बहुत ही कम होता है सेविंग होती है। दे बोरो अनेबल टू रिपे, मतलब जो पहले क्या करता है वो, जैसे मान लो एक व्यक्ति गरीब है, उसने क्या किया एक अमीर व्यक्ति से लोन ले लिया, पैसे ले लिया, अब उसको वो नहीं दे पा रहा, हार्डली होता है कि मतलब वो नहीं दे पाता है उसको बोरो मनी, तो उस पे ब्याज मिलता जाता है, उसको इन डेप्थनेस बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको दे नहीं पाता। ऐसे हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है वो बनी रहती है। अब आता है एंटी पॉवर्टी मेजर दो प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द टू प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटिंग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। हम लोग देखते हैं किस किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है ना। ओवर द पीरियड ऑफ थर्ड ईयर ऑफ लास्टिंग अप टू द ईयर ईयरली 80s, आप देखेंगे जो लास्ट 30 ईयर में हम लोगों ने देखे हैं, तो 45% जो परलियर 15 जो था 45% था 1950 में। फिर इसके बाद क्या था, ये तो आपका था कब, पॉवर्टी का जो एस्टिमेटेड था 1950 में दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो 3.5 और कब दिया है, इन द ईयर ऑफ 1976% ऑफ ड्यूरिंग 1980 एंड 1990 द हायर ग्रोथ रेट इज हेल्प टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी। धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज हुए, उससे पॉवर्टी में मदद मिलती है काम के लिए। अब हम देखते हैं सरकार के जो प्रोग्राम है, जो सरकार की जो योजना है वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। हम यहाँ पे देखें बेटा, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 एम टू प्रोवाइड 100 डेज बेजेस, मतलब 100 दिन का रोजगार आपको, आप गांव वगैरह में देखें तो ये बड़ी प्रचलित योर वेली पॉपुलर योजना है, सरकार की पॉलिसी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, 100 डेज का आपको रोजगार मिलता है। इट इज़ ऑल्सो एम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एड्रेसिंग द कॉज ऑफ ड्रॉट डिफॉरेस्टेशन एंड सॉयल इरोजन। 1/3 ऑफ प्रपोज्ड जॉब हैव बीन रिजर्व आर वुमेन, इसमें 1/3 जॉब किसके लिए, वुमेन्स के लिए भी है। द स्कीम इज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट 220 करोड़ पीपल्स इन अ डे, एम्प्लॉयमेंट इन कितना बेटा 4.7 करोड़ हाउस होल्ड। द
शेयर ऑफ ST SC वुमेंस डेज इन स्कीम 23%, मतलब ये जो ट्राइब जो हम लोग बैकवर्ड क्लास की बात करी है अभी तक जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं वल्नरेबल जो हैं उनके लिए 23%, 17% एंड 15% 53% हो रिस्पेक्टिवली। द एवरेज वेजेस इंक्रीज बन 65 से कितना इंक्रीज हो गया बन 32 इन 2013-14 और रिसेंटली इन 2018 द एवरेजेस एंड स्किल्ड मैनुअली हैव रिवाइज्ड, कितना रिवाइज किया गया बेटा उसको, अब कितना है बेटा 2281 डेज पर डे, किसके लिए यूनियन टेरिटरी और स्टेट में, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बेटा, ठीक है ना। और कितना है बेटा 168 फॉर वर्कर और बिहार एंड झारखंड, ये किसके लिए, हरियाणा के लिए 281 है और 160 बिहार और रहेगी। दूसरी योजना क्या है बेटा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY अनदर स्कीम फॉर स्टार्टिंग इन 1993 द एम ऑफ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट योजना है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, तो वो लॉन्च कब लॉन्च हुई थी 1995 में था, एम क्या था उसका क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद कौन सी योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, ये कब उगाई थी 1990 में, ये भी आपके लिए रोजगार संबंधित है। फिर आपके देखो यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, इसमें ये 2020 में एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट फॉर बेसिक बेसिक सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड थी, प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। फिर इसके बाद देखो अंत्योदय अन्ना योजना, ठीक है, ये आपके लिए फूडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आपके देखें और कौन सी योजना है इसमें, ये था दीज आर द, अभी ये बेटा इतनी सारी योजनाएं तो चला दी, दीज आर द प्रोग्राम हैव मिक्स्ड वन ऑफ द मेजर रीजन लेस इफेक्टिवनेस इज इम्प्लीमेंटेशन। बेटा सरकार गवर्नमेंट योजनाएं पॉलिसी ला सकती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और राइट टारगेटिंग जो हमारे पास जो 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 लोग सचमुच गरीब हैं, जो लोग सचमुच इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है उनके लिए, वहाँ तक वो जो योजना पहुँचे तो इम्प्लीमेंटेशन और राइट टारगेटिंग बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है ना। देयरफॉर द मेजर एम्फेसाइजिंग ऑन द रीसेंट ईयर इज प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड ऑल प्रॉपर्टी एविडेंट एलिवेशन प्रोग्राम द चैलेंज अहेड। तो चैलेंज क्या है बेटा हमारे पास, आगे के चैलेंजेस क्या हैं, आगे के चैलेंजेस हैं कि पॉवर्टी या सर्टेन डिक्लाइन इन इंडिया, हमारे धीरे धीरे डिक्लाइन तो कर ही रहे हैं हम लोग, फिर इसके बाद देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सुनना ज़रूरी है, ठीक है ना। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड इन अ मैटर टू बेटर प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 10-15 ईयर दैट वुड बी पॉसिबल इन मेनली ड्यू टू द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेज द स्ट्रेस यूनिवर्सल फ्री इनवेंटेड एजुकेशन एंड डिक्लाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउ एवर द कैप्चरिंग, मतलब जो ऑफिशियल पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है उसको भी बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसमें मिनिमम सब्सटेनेंशियल को जाने की वजह आप जरूरी थोड़ी है कि मतलब आपने डाल दिया कि मिनिमम जो ख्वाहिश है उसकी किसी इंसान की ह्यूमन्स की पूरी हो गई तो आप उसको नहीं बस ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो कैप्चर ओनली द लिमिटेड पार्ट व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स द पीपल इट इज़ अबाउट द मिनिमम सब्सटेनेंशियल लेवल ऑफ रेदर रिस्पॉन्स रीजनेबल, मतलब आप ऐसा ना हो कि मतलब वो अपनी खाने की पूर्ति कर पाए, उसका भी हक है कि उसको भी और लग्जरियस लाइफ जिए, वो थोड़े से मज़े भी कर पाए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। द कंसेप्ट इन टू द ह्यूमन पॉवर्टी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स मे हैव बीन एबल टू फीड देम सेल्फ बट डू दे हैव एजुकेशन, मतलब वो खाना तो खा रहे हैं, ठीक है, मान ली खाना खा रहे हैं, क्या उनके पास एजुकेशन है, रहने के लिए घर है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, जॉब की सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस है, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होगी, ठीक है ना। नाउ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर पीपल्स, दीज आर द बिगर टास्क, ये आपके टास्क होने चाहिए जो आपको अचीव करना है, ठीक है। तो क्या क्या, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन जॉब सिक्योरिटी एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी टू पुअर, ये हमारा हुआ चैप्टर खत्म। तो हमने बेटा पूरे चैप्टर में क्या देखा, किस तरीके से इंडिया और अदर कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी है उनके लिए हम पॉवर्टी कैसे आती है, पॉवर्टी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसे हटाने के लिए, ये सब चीज़ें हमने समझी। आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।